शाजापुर पुलिस ने एक बार फिर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने समाजसेवी मोनू सौराश्री की मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। गौरतलब है कि इंदौर में उपचार के दौरान अखिल भारतीय बलाई महासभा की युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मोनू सौराश्री की मौत के बाद शाजापुर पुलिस ने उसकी हत्या के मामले को संज्ञान में लिया था। गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू सौराश्री को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात को मोनू सौराश्री शराब पीकर घर आया था, जिस पर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। मंजू ने मोनू सौराश्री पर प्राणघातक हमला करते हुए चाकू मार दिया। फिलहाल आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोनू सौराश्री का मामला आया था, उसमें आपका ऐसा कहना है कि उन्हीं की पत्नी ने उन्हें मारा है, क्या था ये? आपको क्या बताया था? याद की थी उन्होंने कि माँ हमारे दो जना का आपस में झगड़ा हो रहा था, मैंने थापड़ दे दी। किसने झापट मारा था? बबलू ने। अच्छा, मोनू ने। बबलू और मोनू ने। हाँ ठीक है, किसको झापट मारा था उन्होंने? मंजू के। अच्छा अच्छा, तो कुछ और उठाए बड़ा वालों तो ये जो है उनकी पत्नी मंजू, उन्होंने ही उनको चाकू मारा। हाँ। तो ये अभी तक बताया क्यों नहीं था इन्होंने इस तरह? अभी हमारे नहीं मालूम के कहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि उनको पेट में सरिया लगा है शायद, ऐसा तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बच जाऊँगा, मैं मरूंगा नहीं, मेरी मतलब दोपहरा। अच्छा, बड़ा चाकू था? बड़ा चाकू था। क्या नाम है आपका? गीता भाई। आप मोनू की क्या लगता है? बुआ जी की। रात में 31 तारीख को मोनू सौराष्ट्री को पेट में दर्द हुआ था, तो उससे जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ पे देखा गया तो पता चला कि इसको जो है चोट लगी है, जो डॉक्टरों को समझ में आया कि एक घाव जो चाकू से होना उनको लगा था। उसके बाद इसको अगले ही दिन वहाँ से इंदौर रेफर कर दिया गया, जहाँ इसका MYH में इलाज हुआ। किंतु इसकी 5 और 6 के दरमियान ही रात में इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी इसकी मृत्यु होने की, तो पुलिस इसकी जांच में लग गई। और कुछ समय हम लोगों को लगा जब तक इसकी PM रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई। PM रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, किंतु फिर भी प्रथम दृष्टया ये हमें हत्या का मामला लग रहा था। हमने इसकी जांच की। इस मामले में पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं था, कहीं कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं था। हालांकि झगड़े की जानकारी थी, झगड़े की सूचना भी मिली थी, डायल इंडेट गई थी, किंतु किस प्रकार उसको चोट आई या कैसे संपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ, इसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने कई जगह पड़ोसियों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों नातेदारों से, सभी से बहुत गहन पूछताछ की। इसमें पुलिस का मुख्य जो संदेह था वो मृतक की पत्नी पे था, किंतु किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में इसको सिद्ध कर पाना बड़ा मुश्किल था। इसमें पुलिस की टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएशन तकनीक का उपयोग किया, जिसके माध्यम से इन्होंने जो संदेहित है उसको क्राइम सीन पे लेके गए, उसके बारे में उससे संपूर्ण इंटरोगेशन किया गया, जितने भी तथ्य वहाँ पर उपस्थित थे, और अंततः पुलिस की कड़ी इंटरोगेशन के बाद जो संदेही थी वो टूट गई और उसने इस घटना को स्वीकार किया। और उससे फिर हमने जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो जब्त किया गया।